आपका द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। तो आइए कि अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस का आपने वीडियो देखा होगा, नेक्स्ट वीडियो आपका सेकंड पार्ट आ रहा है और पहले वाले वीडियो में आपके द्वारा मिलने वाले प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं हर बार बोलता हूँ कि मेरे पास सीट है और उस पर ही क्वेश्चंस हैं, वो सीट पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि वीडियो के दौरान बहुत सारी बातचीत होती रही, वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। आपके लाइक से हमको बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है साथ ही। तो मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ कि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 में बेचता है, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि हो। 35% का लाभ, मतलब मैं फिर बताना चाहूंगा कि परसेंटेज जो होता है वो 100% होता है, उसको 35% का लाभ हुआ है, मतलब कि 135% बराबर ही 15,000 है। ठीक है, 15,000 है, मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो 15 से आएगा ये 9 बार और 15 से जाएगा ये एक बार, तो यहाँ 9% बराबर 1,000, 9% बराबर 1,000 है। तो उसने बोला है कि वह उसे कितने रुपए में बेचता है कि उसको 10% की हानि हो। तो मैं बताना चाहूंगा 10% की हानि का मतलब क्या हो रहा है। 10% की हानि का मतलब हो रहा है कि 90%, 10% की हानि का मतलब क्या हो रहा है 90%, और 35% लाभ का मतलब क्या हो रहा है 135%। तो मुझे 90% हानि के लिए यहां पर कितने का इंटू करना होगा, 10 का इंटू करूंगा तो इधर आ जाएगा 90%, इधर भी मैं 10 का इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 10,000 रुपए। यही दिस इज आंसर, बहुत ही शानदार और शॉर्ट तरीका है, आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ देता हूं। एक व्यक्ति है वो 35% लाभ पर बेचता है 15,000 रुपए में, यदि वह उसे कितने में बेचे कि उसको 10% की हानि हो। तो यदि वह 10,000 में बेचेगा तो उसको 10% की हानि होगी। पिछले वीडियो में आपके द्वारा जो मिल रहा है पार, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा, आपके लाइक से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। आपके लाइक से ऐसा होता है कि जैसे आपने लाइक किया तो ऐसा नहीं कि मुझे बहुत सारा पैसा मिल रहा है उससे या बहुत सारी चीजें होती है, बस इतना होता है कि यदि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, ये सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, ये वीडियोस पसंद आ रहा है, और ये कंटेंट यदि आपको पसंद आ रहा है तो हम गूगल, यदि आप लाइक करते हैं तो लाइक करने से गूगल को ये मैसेज मिलता है कि भैया ये कंटेंट अच्छा है, ये और लोगों तक भी फॉरवर्ड करना है। लाइक करने का केवल इतना ही सेंस है कि उससे कोई ये नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है उससे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप लाइक करते हैं, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी लाइक करवाएं, क्योंकि जब ये चीजें कंटेंट आपको अच्छी लग रही है, आप भी पढ़ रहे हैं तो दूसरे तक भी पहुंचना चाहिए। तो आप इसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते, और यदि आपने फॉरवर्ड कर दिया तो मेरे ऊपर एहसान कर दोगे, लेकिन आप नहीं कर पाते तो ये गूगल को मैसेज जाता है कि भैया सभी लोग इसको लाइक करते हैं, तो वो अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाता है। तो आपसे मेरा यही विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा कि राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदी। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदी और 20% लाभ पर उसको बेच दिया। किसको? श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा खाकर उसे मोहन को बेच दिया। तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी। तीन व्यक्ति। पहली बात तो ये कि 1,000 रुपए की साइकिल, 1,000 रुपए की साइकिल कितने परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पर यदि खरीदता है तो उसकी कीमत हो जाएगी 1,200। ये आप सभी लोग जानते हैं। मैंने बोला कि भैया 1,000 रुपए की साइकिल है, वो 20% लाभ के हिसाब से तो आप बोलोगे सर 1,200 रुपए की। फिर उसने बोला कि जो राम है, राम ने किसको बेची, राम ने बेची श्याम को। किसको बेची? श्याम। अब श्याम ने बेची किसको? मोहन को। उसने क्या बोला कि भैया मैं 10% घाटे पर बेच रहा हूं, चीज ये 1,000 रुपए की थी 1,200 रुपए में बिकी, इसने 10% घाटा, 10% घाटा का मतलब ये हो गया कि वो 120 रुपए कम लेगा। 10% घाटा कितना हो गया? 120 रुपए कम। जब 1,200 में से आप 120 घटाओगे तो कितना आएगा? 1,080। ये किसको बेच दी? मोहन को। किसको? मोहन को। तो वो साइकिल मोहन को कितने की पड़ी? 1,080 की। यही इसका आंसर है। बहुत ही शानदार तरीका है, बहुत ही शॉर्ट है। आप इसका, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है। सेकंड क्वेश्चन आपका परसेंटेज का, और बहुत ही सिंपल देगा। 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, 20% लाभ यानी कि 1,200 रुपए, 1,200 रुपए प्रोडक्ट को 10% की हानि यानी कि 120 रुपए का 1,080 में वो बेचेगा। आप इसको राउट डाउन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं जाता हूं। अगला क्वेश्चन है
कि एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसको 500 रुपए कम मिलते। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करते दीजिएगा, शेयर करते दीजिएगा। आपकी मिल रहे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बोला कि 100% चीजें होती है, 100% चीजें होती है। उसने बोला कि यदि वह 15% लाभ पर बेचता, 15% लाभ मतलब आप बोलोगे सर 115 रुपए पर बेचता, और यदि वह 10% हानि पर बेचता, 10% की हानि मतलब आप बोलोगे कि सर 90%, इन दोनों में अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे कि सर 25 रुपए। 15 और 10 कितना हो गया 25, ये 25 के बराबर ही 500 रुपए, 25 के बराबर ही 500 रुपए। तो 100% 15% लाभ मतलब आप बोलोगे 115 रुपए सर, और ये 10% हानि मतलब बोलोगे आप 90%, 90% मतलब 25% का लाभ, 25% का अंतर, 25% बराबर, तो 1% बराबर कितना हो गया 20, 1% बराबर कितना हो गया 20, तो 100% बराबर कितना हो गया 2000। दिस इज आंसर। बहुत ही शानदार और बहुत ही शॉर्ट तरीका है कि 100% होता है, 15% लाभ पर बेचता है तो 115 रुपए में बेचेगा, 10% हानि पर बेचता है तो 90% में बेचेगा, इन दोनों में अंतर 25%, 25% बराबर ही उसको 500 रुपए कम मिलते हैं, 1% बराबर 20, तो 100% बराबर 2000। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लाइक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। शेयर कर दीजिएगा, शेयर करते रहिएगा, आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान रहेगा यदि आप लाइक और शेयर करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, बहुत बड़ा एहसान रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं जाता हूं, अगला क्वेश्चन आपका, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। हमारे माइक की गद्दी निकल गई थी। अगला क्वेश्चन है कि एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता तो 3000 अधिक मिलते हैं, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या कीजिए। फिर मैं बताना चाहूंगा, मैं अब कलर चूज कर रहा हूं, मैंने फिर बोला कि 100%, फिर मैंने आपसे पूछा कि 20% लाभ पर, 10% हानि पर बेच रहा है, पहले क्या बेच रहा है वो 10% हानि पर बेचता है, तो मैं पूछूंगा कि 10% हानि, तो आप बोलोगे सर 90%। फिर बोला 20% लाभ, तो आप बोलोगे 120%। इन दोनों में अंतर कितने का लग रहा है आपको 30 का, ये 30% बराबर ही कितना है 3000 है, 30% बराबर ही कितना है 3000 है। आप इससे डिवाइड करेंगे तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 1% बराबर आ जाएगा 100, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 100% बराबर आ जाएगा 10000। दिस इज आंसर, दिस इज आ आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आप लाइक और शेयर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पढ़ाने में बहुत ही आनंद आ रहा है, आपका जो प्यार मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्वेश्चन को आप बता लीजिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसको 200 रुपए अधिक मिलते, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 10% लाभ की जगह पर 15% या 20% लाभ है, ठीक है। क्वेश्चन से आपका कि 10% लाभ फिर 15% लाभ, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि परसेंट कितना होता है, तो आप बताएंगे सर 100% होता है। 10% लाभ मतलब 110%, 10% लाभ मतलब 110%, फिर 15% लाभ, तो आप बोलोगे सर 115%, मैं बताऊंगा 100%। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच में अधिक मिलते हैं 200 रुपए अधिक मिलते हैं, तो 110 और 115 के बीच में अंतर कितने का, 5% का, 5% बराबर कितना है 200, तो 1% बराबर कितना आएगा, तो आप बताएंगे 40 सर, तो 100% बराबर कितना आएगा, तो आप बताएंगे सर 4000। यही आंसर, दिस इज आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइक और शेयर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगती है आपको पढ़ने के लिए और समय निकालकर ये कंटेंट यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके लाइक और शेयर से हिम्मत मिलती है, सपोर्ट मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, पढ़ाने का और भी जज्बा बढ़ता है।
रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। सिलेक्शन तो लेंगे इस बार, सिलेक्शन लेके रहेंगे, सिलेक्शन लेके रहेंगे। क्वेश्चन नंबर में अगले की तरफ जाता हूं। क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसको 20% का लाभ होता है, एक पर उसको 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसको 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि होती है? दो सेट है दोस्तों, मैंने आपको बताया है इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि ये एक इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अक्सर आते हैं, ये परसेंटेज में करवाया था और इसमें भी है। उसने बोला कि 20% का लाभ और 20% की हानि, तो मैंने आपको बताया था, पुनः बताया था कि x प्लस माइनस y प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100 बस इसी पर बैठ है। 20% लाभ, फिर 20% हानि, इंटू करने पर कितना आ जाएगा 400/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहां पर आपका 20 से 20 खत्म हो जाएगा, तो कितना आएगा माइनस, और माइनस मतलब क्या हो गया 4% की हानि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन हो रहा है आप लोगों का, आपके द्वारा जो प्रदर्शन हो रहा है बहुत ही शानदार हो रहा है। बहुत बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु पर उसको 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसको 25% का लाभ हुआ, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये यानी 10000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, इसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल करना है, क्रॉस प्रोडक्ट ये पढ़ना है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु पर उसको 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर उसको 25% का लाभ होता है, तो यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10000 रुपए हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए, तो 25% का लाभ मतलब पहली वस्तु का, इधर लिख देता हूं मैं, पहली वस्तु 20%, दूसरी वस्तु 25%, दूसरी वस्तु कितनी है 25%, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब 25% यानी कि 125% बराबर कितना आएगा 10000, 125% बराबर कितना आएगा 10000, तो आप 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 125 और 25 चुकू 100 यानी कितना आएगा यहां पर 400, फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 80, 1% बराबर कितना आ जाएगा 80, तो मैं लूंगा 100% बराबर नहीं 20% का लाभ चाहिए, कितना परसेंट चाहिए 20% का लाभ चाहिए, कितने परसेंट का लाभ चाहिए 20%, 20% मतलब 120%, 20% मतलब 120%, तो 120 मतलब 12,98,9600 कितना 9600, 120% मतलब मैं इसको एक्स में 120 का इंटू करूंगा तो इधर भी 120 का इंटू हो जाएगा, इधर भी 120 तो इधर भी 120 का इंटू हो जाएगा, 120% लाभ चाहिए, 120% तो कितना हो जाएगा 12,98,9600 रुपए, बहुत ही शानदार। ये क्रॉस प्रोडक्ट आप याद रखिएगा, मैं बताना चाहूंगा कि पहली वस्तु की कीमत दी है 10000 रुपए, लेकिन हमको उसको तुलना करना है किससे, दूसरी वस्तु से, दूसरी वस्तु की कीमत कितनी दी 125%, 125% बराबर कितना है 10000, 5% बराबर 40, 400, 1% बराबर 80, तो उन्होंने बोला कि 20% लाभ चाहिए, कितना 20% लाभ पर उन्होंने बेचा है, 20% लाभ का मतलब हो गया 120, तो 120 का मैंने इंटू इधर किया तो 120 का इंटू इधर भी हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा प्रोडक्ट अपना 120%, तो यहां पर आ जाएगा प्रोडक्ट की वैल्यू 9600 रुपए। दिस इज आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कंटेंट यदि आपको पसंद आ रहा है तो मेरे दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं पढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है कि महेश अपनी दो गायें समान मूल्य पर बेचता है, एक गाय पर उसको 10% की हानि तथा दूसरी गाय पर उसको 5% की हानि होती है,
महेश अपनी दो गायें हैं, समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर 10% की हानि, दूसरी गाय पर 5% की हानि। यदि पहली गाय 95,9500 रुपए में खरीदी तो दूसरी गाय की कीमत क्या थी? ठीक, फिर से कर देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता ही होगा, यहां पर भी फिर से मैं अलग से लिखूंगा कि पहली कीमत कितनी है, 10% ये लिखा मैं, पहला मतलब 10%, और 10% क्या है, हानि है, तो मैं लिखूंगा इसको माइनस। 10% हानि मतलब माइनस। उन्होंने क्या बोला कि 5% दूसरी गाय पर भी 5% की हानि, दूसरी गाय पर भी 5% की हानि, यानी कि माइनस 5%। उन्होंने पहली गाय की कीमत दी गई है, तो हमको कीमत का जो तुलना है क्रॉस प्रोडक्ट रूप में दूसरी से करना है। पहली की अगर कीमत दी गई तो दूसरे कितना हो जाएगा, 5% हानि मतलब कितना है, 95%। ये 95% किसके बराबर है, 9500 के बराबर है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर आप बताओगे कि 100 हो जाएगा। मुझे चाहिए 10% की हानि, 10% की हानि कितना देगी, 90। तो मैं 90 का इंटू इधर करूंगा तो 90 का इंटू इधर भी हो जाएगा, 90 का इंटू जब इधर हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9000। यहाँ पे कितनी आ गई, 90%, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 9000। दिस इज आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही प्यारा तरीका है। आप इसको अप्लाई कीजिए बहुत शानदार तरीके से, और कंटेंट यदि पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, इसको आप ऐड कर लीजिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सियाराम अपनी दो कारें बराबर मूल्य पर बेचता है, एक कार पर उसको 10% का लाभ तथा तो दूसरी कार पर 20% की हानि हुई। यदि वह दूसरी कार 1,21,000 में खरीदता है तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी क्रॉस प्रोडक्ट से ही होगा, पूरा अभी क्रॉस प्रोडक्ट का ही पढ़ना चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट का, कि बहुत ही सिंपल तरीका है, और आप इस प्रोडक्ट को, क्रॉस प्रोडक्ट को अप्लाई कीजिएगा, आपके जो क्वेश्चन है वो चंद सेकंडों में जाएगा। पहली और दूसरी दो है, तो उन्होंने बोला है कि सियाराम दो कार बराबर मूल्य पर बेचता है, एक कार पर 10% का लाभ, एक कार पर 10% का लाभ मतलब मैं प्लस लगा दूं 10%। उसने बोला कि 20% की हानि होती है, दूसरी कार पर उसको 20% की हानि, यानी कि माइनस 20%। 10% का लाभ यानी कि प्लस, और 20% की हानि यानी कि माइनस। उसने बोला कि दूसरी कार 1,21,000 में बेची, 1,21,000 में, तो क्रॉस प्रोडक्ट, जब दूसरी कार की वैल्यू दी गई तो आपको पहला रखना है, दूसरी कार की यदि वैल्यू दी गई है तो आपको पहला रखना है। तो पहला कितना हो जाएगा, 10% का लाभ यानी कि 110%, कितना हो जाएगा 110%। ये 110% किसके बराबर है, 1,21,000 के बराबर है, 1,21,000 के बराबर है। आप 0 से 0 डिवाइड करेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। जब 1% की वैल्यू 1100 है तो -20% यानी कि 80%, -20% यानी कि 80%, तो 80% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बताएंगे सर मैं, हम 80 का इंटू कर देंगे 88,000। यहाँ 1,21,000 रुपए में जो चीज प्रोडक्ट बिक रही थी वो कितने में बिक्री है, 80% हानि पर कितने में बिक्री है, 88,000 में बिक्री है, 88,000 में। यहाँ कितना आ गया प्रोडक्ट की वैल्यू 80%, और इधर कितना आ गया 88,000। एक और प्रोडक्ट है, बहुत ही सिंपल फंडा है, आप इसको अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन को चंद सेकंड में आप कर दीजिए, इसको आप बता लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों, आपकी लाइक और शेयर से बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, बहुत ही प्यार मिलता है। क्वेश्चन आप छुपा लीजिए, बहुत ही सिंपल फंडा। चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कंटेंट पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। जय हिंद वंदे मातरम।